ब्रेकफास्ट बस प्याज हरी मिर्चें जे ऑमलेट बना के जाते हैं। देखो जरा तो फीक नहीं हुई कि ना इन सुट दई किसी पास जाके। ये मैं पैन मैंने कहा था मैं लेके आई थी। गोजी बना रहे हो ये? चल तो वैसे ही ऐसे कर लो, ये वाला ले लो। ये देख इसका सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है कि मैं जिन्हें भी वीडियोस बनाईया और जहां जहां से मुझे प्यार मिला मुझे अप्रिशिएट किया गया वो मेरी माँ दिया वीडियोस हैं। कंटेंट क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं था और लोग क्या पसंद करते हैं मुझे ये भी पता नहीं था। मेरी माँ की आदतों की वजह से तीनों की होया है। फर्स्ट बस प्याज हरी मिर्चें टमाटर तो कोई नहीं, ये स्पिनच मिली है। ये पैन मैंने कल लिया था नया, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये है तो पैनकेक बनाने वाला है लेकिन मैं इसको ऑमलेट के लिए भी यूज़ करूँगी और भी डिफरेंट चीज़ों के लिए। बच्चे ऑमलेट बना के जाते हैं देखो ज़रा तो फीक नहीं हुई कि ना इन सुट दईए किसी पास जाके। ये मेरा डाइट प्रोग्राम बच्चों स्टार्ट है तो डाइट में हम कैसे कैसे क्या क्या खा सकते हैं ये है वो। ये मेरा लंच भी है और हाय हाय अंडे तो दो ही खराब ने बेड़ा तर गया। इसमें डालेंगे हम दो अंडे, ये लो जी। इसमें डालेंगे हम नमक और मिर्च थोड़ी थोड़ी सी। आज मौसम बाहर अच्छा है साडा तो लूण ही चुक के लै जाते हैं तो ठे मैं नमक लेके आ। नमक तो कोने में लभ्या पता नहीं कितने सुटिया है, बगैर नमक के खाती हूँ ऑमलेट। वैसे भी नमक निकाल ही देना चाहिए अपनी जिंदगी से, नमक ने बड़े फसाद पाए बड़े पुआड़े डाले। अच्छा ये देखें ये मैं पैन मैंने कहा था मैं लेके आई थी ये वाला, इसमें बनाती हूँ आज। ये कॉस्टको से लिया है बड़ा जबरदस्त। थोड़ा जाओ तेल पा लिया, मैं तेल तो बगैर तो जिंदगी अधूरी है। आया आपको दिखाते हैं। यानी क्या बना रहे हो? गोजी। गोजी बना रहे हो? ये देखो You fry on medium heat. हाँ फिर and then you want for like 10 minutes and then you put the water in it and then you put the lid. अच्छा चलो ठीक। अच्छा देखो ये बना रहा जी यानी। Ooh, it's sizzling. चल तो वैसे ही ऐसे कर लो, ये वाला ले लो। इसमें नहीं। चलो कैसे बन रहे ठीक बन रहे? यस परफेक्ट। चलो बस पानी डाल दो अब इसमें। चल बस अब ये स्टीम में पकेंगे और अब ऐसे सोरोचा सॉस इन हियर। इतनी इतनी डिप्स नहीं चाहिए। चलो जी Smell that, smell that. Like Lena would smell the smoke. Oh, nice. Smells like this. Yes. ये देख। Very nice. तोड़ ना दे। आ जा इधर। आ जा आ जा। Slowly. उधर ले आ। हाँ, taste करके बताओ। A bit गरम। गरम है? हाँ। चल। Okay, कैसे बने? Really nice. Really nice. तो अभी आपको देंगे इसकी रेसिपी। आपने व्लॉग को देखना है एंड तक
आज इसमें बहुत ही स्पेशल बातें होंगी। सबसे पहले तो 100 के सेलिब्रेशन, 100 के 150 के का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत थैंक यू। ताडे सारयां दे प्यार दी वजह तो ही असी 150 के तक पहुँचा। नहीं, मैं 100 के क्यों कही जानी, 150 के तक तुसी मैनू पहुँचाया, एंड आपका बहुत बहुत थैंक यू और शुक्रिया। जाहिर है आप लोगों की सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकूँगी। तो बस ए खाना शाना पा के लै जाने इतों, फिर मैं ताडे नाल गल्लां करांगी कुछ गूढ़ियाँ। चिमटे चिमटा लभण तक लोगों ने मंजे ते सारा कुछ खा जाना, जा शाबश खाओ जा। अज का दिन बहुत ही स्पेशल है, 150 के कंप्लीट हुआ है और इस चीज़ का सारा क्रेडिट मेरी माँ को जाता है कि मैं जिन्नियाँ भी वीडियोस बनाईयां और जहाँ जहाँ से मुझे प्यार मिला, मुझे अप्रिशिएट किया गया, वो मेरी माँ दियाँ वीडियोस हैं। और आज की खुशी में मैंने अम्मी का ये वो सूट पहना है जो उन्होंने लास्ट अपने 2 हफ्ते पहले जो है उन्होंने ये सूट पहना हुआ था। तो ये जर्नी 150 के तक सच पूछो तो मैनू समझ आई नहीं। मैं कुछ सोचा नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, मैं वो वीडियो बनाऊंगी, कंटेंट क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं था, और लोग क्या पसंद करते हैं मुझे ये भी पता नहीं था। मैं कभी YouTube पर थी ही नहीं, ना ही मैं कभी YouTube पे वीडियो देखिया सर। मेरा TikTok पे सबसे पहला था पेज जहाँ पे मैं 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो लगाया करती थी, लेकिन उसके पीछे मेरी वॉइस ओवर भी होती थी जेडी माँ दे बारे चुंदी सी, भैणा भरावां दे बारे चुंदी सी, उन रिश्तों के बारे में होती थी जो कि मेरी ज़िंदगी में बड़े इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे लोगों ने आके मुझे लिखना शुरू किया कि आप जो है ना यूट्यूब पे क्यों नहीं आती, आपकी बातें जो है ना, ताकि हम लंबी वीडियो और लंबी बातें आपकी सुन सकें, इतने तो 1 मिनट च वीडियो ख़त्म हो जाती। फिर भी मैं कोई एडा ध्यान नहीं दिता। अच्छा, मैं गई पाकिस्तान लास्ट ईयर अक्टूबर में, वहाँ जाके मैंने जो प्रॉपर कहते हैं ना पहली वीडियो अपने भाई के फार्म की वो लगाई। उदों भी मैनू कोई अकल नहीं सी कि भाई वीडियो पसंद की जाएंगी, वो वीडियोस बहुत पसंद की गई। जो मैंने पाकिस्तान में 2 या 3 वीडियोस अपलोड की, उसके बाद फिर मैंने कोई पूरा महीना कुछ अपलोड नहीं किया क्योंकि मैनू पता ही नहीं सी। लेकिन यहाँ आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, इंग्लैंड आके फिर जनवरी में मैंने दोबारा इसके ऊपर जो है ना काम करना शुरू किया, और मुझे प्रॉपर काम करते हुए एग्जैक्टली 1 साल जो है यूट्यूब पर हो गया। जिसको कहते हैं ना प्रॉपर काम करना, वो 1 जनवरी से या जनवरी के महीने से मैंने स्टार्ट किया। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का। आज जितनी भी इज्जत मुझे मिली है, जितना भी नाम पलवशा आप लोगों के दिल को छुआ है, ये मेरी माँ की तरबियत और मेरी माँ की आदतों की वजह से, तीनों की होया है उसकी वजह से है। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को आज आपने पूरा देखना है, पता नहीं कैसी बनी है कैसी नहीं बनी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ये मीट मैरिनेट किया पड़ा था 2 दिन का, मैं क्या आज पका ही लवाऊं और इधर अचार बन जाए, तो इसको जो है ना फिर बस आज मैंने पका दिया। तिंडी शक्ल नु की हो गया स्पाइसी बस। तो मुझे दुआओं में याद रखें, रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताएं। किसी दिन दिल किया तो प्रॉपर अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगी इसकी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनेशन ना तो फॉलोअर्स की है, ना ही बहुत ज़्यादा नाम बनाने की है। मैं अपनी खुशी से, अपने दिल से काम करती हूँ, और जितना करती हूँ मैं उतने में खुश हूँ। आप उतने को अप्रिशिएट करते हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली है, जहाँ तक ले जाएगी वहाँ तक चले जाएंगे, और आप सबका साथ तो है ही। ठीक है जी, दुआ में याद। इत्थे हो रही है जी बिरयानी दी मैरीनेशन दी तैयारी। 7 से 8 ने चिकन लेग्स, इसके ऊपर 1/2 कप दही डोल के और थोड़ा सा लेमन जूस डोला है। अग्गे ने मसाले, काली मिर्च, नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, और ये है 2 टेबलस्पून आप कह लें कि बिरयानी मसाला है, ये भी इसमें गया। लो जी मैरिनेशन हो गया और इसको हमने रख देना है फ्रिज में ओवरनाइट के लिए,
और आगे लैम चॉप्स हैं, ए कोई 1 किलो लैम चॉप्स ने विच अद्धा कप दही, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, काली मिर्च, लहसुन अदरक, और ये है मैंने एशियन शॉप से लिया था, ए वेखो चटनी है विच कोकोनट ते हरिया मरचा, और इस तरह इनू मैरीनेट करके इनू भी ओवरनाइट असी रख देना फ्रिज विच। अगों जी नवा दिन चढ़िया, शाम का वेला, तो असी हांडी च सुट दित्तियां ने चॉप्स, उसको हमने लगा दिया है बीफ की सेटिंग पे और हमने कर दिया ऑन। मैं कह तू पक्की जा, यहाँ शुरू हो रही है बिरयानी की तैयारी। तेल को डोल के, खड़े मसाले रोड़ के, उसके ऊपर हमने प्याज सूट के, उनको ब्राउन करके, छिले हुए आलू हमने कहा प्याजों के साथ तड़फाते हैं, साथ ही चिकन लेग्स भी हमने जो मैरिनेट की हुई थी ओवरनाइट वो इसमें डाल दी। मैं कि आज ना बस एको ही किस्म की बोटी मिलेगी सबको, बराबर के हकूक, यू नो। साथ ही मैं टमाटर इत सुट के इनू रख दिता है पक्कन वास्ते, बस थोड़ा जहा हला जला लेना, बहुती शिद्दत नाल विच डोई नहीं फेरनी, अवी बोटियां टुट वड ना जान। नींबू निचोड़ लेना है आपने इस तरह से, और देखें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है मेरी। कल की वीडियो में भी, परसों वाली वीडियो में भी बिरयानी थी, और इस वीडियो में भी बिरयानी है। बिरयानी दी कई किस्म ने, कई किस्म बन दी। अब वेखो तहवा शवा ला के आखिरी तह के उत्ते असी बच्चा वह सारा गोश्त हमने डाल के, चिकन डाल के, प्याज, मैं कहती हूँ चावल भी इसके ऊपर डाल के, उसको लेवल करके, पदरे करके, और आपने डाल देने हैं ये हरा मसाला। मैं क्या थलियों ज़रा भांबड़ा हौला कर दाऊँ ना, बिरयानी सड़ के सवा हो जाए। बस इसके ऊपर हमने थोड़ा सा जरदा रंग डोल के, और देखें दम लगाए कितना वधिया। बस मैं कहती हूँ आवाम इतनी भूखी है कि पूछें कुछ ना आ गई फटाफट, दम की खुशबू जड़ी इन्ना तक चढ़ी, तो इन्ना तो पीछे तो वो कहते हैं ना बिरयानी की खुशबू आप कैसे पीछा करती है, जैसे कोई आत्मा आपके पीछे लगी हुई है। ऐसी खुशबू तुहानू दसन की जरूरत ही नहीं, तुसी पकाया कि ये बिरयानी की खुशबू आपका होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। बस जी फिर एक प्लेट दी, मैं क्या लो खाओ हूँ, बाकी का मैंने खाना पकान दो। यहाँ पे चॉप्स हमारी देखें कितनी वधिया हो गई। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अभी इसके चौंचले बाकी हैं। ये देखें पैन में हमने डोल लेनी है अपनी सारी चॉप्स, और इसके ऊपर हमें डालनी है काली मिर्चें, इसके ऊपर गई हरी मिर्चें, और ये हैं लाल पीलियाँ नीलियाँ हरियाँ मिर्चा, ये खूबसूरती में इजाफा करती हैं। खाना आज थोड़ा लेट हो गया, और आज मैंने अम्मी का सूट पहना हुआ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मेरे साथ ही है। तो बिरयानी बनी है, बीच में कोई मिलने के लिए आ गया, सारा कुछ बिचे रह गया, और अब जो है मैं ये लैम की जो है चॉप्स ये बना रही हूँ, भी आपको दिखाती हूँ, बस फाइनल टचेस पर है। और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, बस इसलिए मेरी जो है ना वीडियो में भी गैप आया है, लेकिन हुण जल्दी जल्दी तुसी वेखोगे, कोशिश करूंगी कि रोज अपलोड करूं। लेकिन ये देखें पीछे बिरयानी पड़ी है, आपने देखी अभी, तो बस इसको फिनिश करते हैं, आपको दिखाती हूं। लो जी मैं कैसी गल्ला में कुछ कर लवा, खाली हांडी ना पकाई जावा। तो ये देखें सारे लवाजमात इसके ऊपर हमने छिड़का छिड़कू के, सोना सा इसको हमने बहुत अच्छा सा पका लिया है, और इतनी खूबसूरत बनी है। देख के से प्लेट में डालने तक का बिरयानी का सफ़र अधूरा रह गया, वो हम आपके साथ नहीं शेयर कर सके, लेकिन आप देखें खाना आज किड्डा ही सोना बनया। और आज के व्लॉग में बस क्लिप्स, कुछ रैंडम क्लिप्स भी ऐड हैं, मैं क्या सी कि चलो तुहानू थोड़ा लंबा व्लॉग वेखण वास्ते मिल जाएगा। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त गला है चॉप्स का, सलाद भी किन्ना सोना, तो बिरयानी की तो तुसी गल ही ना पुछो, बहुत ही वधिया बनी सी। तो आज का व्लॉग जो है, हाय हाय पीछे की खलारे ने व्लॉग नु की करना, पहले खलारे चुको ते व्लॉग शुरू करो, विदाउट खलारों के व्लॉग कैसे बनेगा। लो जी काम इतने ही नहीं मुकदा, उस तो बाद फिर चीज़ा चुको रखो। मैं कहती हूँ व्लॉग बनाते वक्त भी आगे पीछे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि तुहाडे कोल ने दूरबीना। तुसीं दूरबीना नाल व्लॉग वेखदे हो, तो फिर चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा कि कोई पुट्ठी सीधी चीज़ इधर उधर ना पई हो, चुक लवो तो फिर तुहानू जिहड़ा ना तुहाडे तक वीडियो पहुँचाओ। लेकिन तुसीं बड़े प्यार नाल वीडियो वेखदे हो, तुहाडा जिन्ना भी थैंक यू करिए बहुत घट है। और ये देखें चावल हमारे कितने ज़बरदस्त बने, बिरयानी कितनी वधिया बनी, और घर वालों जो है ना वो बड़ा ही एप्रीशिएट करते हैं खाना, वो मैंने सुबह उठते ही पूछने लग पाते हैं आज की खाना, आज की पकाना, चीज़ा है ने सारिया। है कि सानू हांडी पका दे, तो बस ये भी बड़ी मैं कहती हूँ ब्लैसिंग होती है कि आपके घर में खाना अच्छा पके। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह हाफिज़।